छः सेकंड तक हो गया। अगर इस बार का करना है तो इधर पर आ जाएगा, इस बार का करोगे तो उनके लाभिक के लिए भी है और जो मरे पड़े रहे थे उसके लिए भी। और जब उन्हें उठाओगे दोनों, सिर्फ अंगूठा पकड़ के ही उठा रहे, अंगूठा पकड़ोगे तो उसकी नाभी भी सेट होगी, नले भी सेट होंगे, नाभी दोनों का यहाँ पे रखना, यहाँ नहीं रखना, ठीक है, यहाँ पे रखो आराम से। और ज़्यादा नहीं उठाने का, आराम से पेशेंट का देखने का कि वो प्रेशर ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा नहीं देने का, हल्का सा 6 सेकेंड होल्ड करो, उसका सीधा हो जाओ। ज़्यादातर नाभी सेट हो जाए होने के बाद, ठीक है, नहीं हो रहा है, अगर नहीं सेट है तो भी जाकर मैं पैर हो तो पैर हो आराम से हल्का सा क्या करेगा, उसके बाद दोनों लाठी सर्दी हो या लोअर दोनों का लाठी इसको जितना कस के खींचोगे, ठीक है, जितना कस के ट्राई करोगे उतना ज़्यादा लाठी आपका सर्दा करेगा। तो दूसरा जैसे सुबह में आप लोग उठते हैं, कल सुबह में जैसे उठते हो आपको बताया गया तालासन, तालासन है, ठीक है, कम से कम 50-50 तक 3-4 से, ठीक। उसके बाद पानी पीने से बाद में करना है तालासन, तालासन करोगे प्रेशर आपको आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि नहीं आया, क्योंकि हमें भी पता है हाथों में सूजन है, नाभी खिसका है, तो जब तक वो कंडीशन रहेगा उतना प्रेशर नहीं बनेगा जितना हमें चाहिए, ठीक है, जब तक सूजन नहीं आती है नाले सूजन होंगे तब तक पूरा प्रेशर तो बन जाए, वो हमें बिल्कुल घबराना नहीं हो गया, ठीक है, किया हमने पहले पानी किया उसके बाद तालासन किया, तालासन करके प्रेशर आया तो भले गए भले थे उसका प्रेस होना हो गया। उसके बाद योगा में, योगा में हमने जितना बताया है उतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद रात के जब आप सोने जाते हो, सोने जाते हो अपने को लग रहा है खाना भी उठ पड़ा, क्या कर लेगा, आपके पास तेल है, आपको मेडिकल स्टोर से लेना है बादाम रोगन तेल, समझ लो बादाम रोगन तेल, बादाम का ही तेल होता है, ठीक है, 3-4 बूंद लेना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगाने का आराम से, ठीक है, लगा के थोड़ी देर ऐसे ताकि लो पॉइंट एंटी ग्रो नहीं करना, लो पॉइंट मतलब ऐसे ग्रोथ करना, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना, ठीक, लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं करना, ठीक है, ये करनी है कम से कम 2-4 मिनट, ठीक है, हल्के से करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, अगर नले पड़े हैं तो आप थोड़ा सा ऐसा प्रेशर दे सकते हैं, ऐसा ऐसा प्रेशर दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हो सकता है नाभी आपका ऊपर ही, ठीक है, अपने ही अंगूठे से ऐसे लेके आना है नाभी को छोड़ करो, पाउडर आपके पास कौन सा पाउडर नहीं रहेगा ना, तेल में बना एक तो पहले सेंटर में कब लोग सेंटर में किया, दूसरा थोड़ा लेफ्ट साइड से 3 बार इधर से और 3 बार, ठीक है, उसके बाद अपनी नाभी खुद चेक कर दी,
जब सोने जाते हो, मान लो खाना खाया आपने 7 बजे, सोना आपको 9, 9:30 या 10 बजे, समझ गए। खुद अपने नाम से और अपने हाथ से कहाँ है कहाँ नहीं, बहुत जरूरी है, सभी को जानना चाहिए। जिसको भी प्रॉब्लम है, आइडियाज है, सबको पता होना चाहिए कि नाभि घिसा हुआ है, प्रॉब्लम किसी की वजह से है, ठीक है। तो आपको पता होना ही चाहिए कि नाभि घिसी है और कहाँ है, ऊपर ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। तो अभी जो पता है वो कर लीजिए, तो दूसरा उल्टा हो दोनों पैर खींचो, दोनों पैर पकड़ो, यहाँ पर खींचो अपने तरफ, यहाँ से नाव नीचे जल से, हाँ ठीक है। लगभग 3 बार कर लो, सोने से पहले ये करोगे, इससे आपका नले और नाभि दोनों में स्ट्रेचिंग करता है, ठीक है। उसके बाद सीधा हो जाए, सीधा वापस से करो, सीधा आपको नाभि में कि नहीं, ठीक। नाभि है सेंटर में है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक मैं करने का दोनों नाभि वापस ऊपर करके दोनों पैरों को खींच लेना, 100 तक गिन के गिनने का, ठीक है। 100 तक गिन के गिनना है, उसके बाद लेफ्ट साइड तरफ लेके उतना नहीं थोड़ा लेते रहते हैं, ठीक। पैर सीधा कर दो ऐसे, इस कारण में आपको सोना भी, इसको भी प्रेशर नहीं आ रहा है, कभी भी ध्यान रहे कि राइट साइड करवट में नहीं सोना, ठीक है। हमेशा जब करवट में ही सोने की कोशिश करो। दूसरा, जब सुबह में आँख खुलता है तो अपने को लेफ्ट करवट में थोड़ी देर तक जगते हुए रहना, ठीक है। लगभग 5 से 10 मिनट आप जगते जगते कुछ भी अपना मोबाइल सीन कर सकते हो, मैसेज चेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है, क्या होगा कि लेफ्ट साइड में अगर इस तरह से थोड़ी देर तक जगे रहते हैं तो जो भी स्कूल हमारा कॉन्सेंट्रेशन की एरिया में चिंता हुआ है, ठीक है, हमारा जो संजय और कॉन्फ्रेंस बोल ऑन का जो पॉइंट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन का पॉइंट होता है, वहाँ पर कुछ मन चिंता है तो वो धीरे धीरे इधर सकता है, तो फिर ज़्यादा पेट साफ होने का चांस बढ़ जाता है, समझ गए। जिससे आप राइट करेंगे, राइट करवट ज़्यादा सोना नहीं, और उसमें से किसी को छक्का लगता है अचानक ऐसा हो जाता है, वो राइट साइड करवट सो गई तो भी किसी किसी की पॉजिटिव कमी है, हीमोग्लोबिन भी कम रहता है, विटामिन बी जो कम रहता है, बी3 कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है पूरे बॉडी को उसका सर्कुलेशन नहीं है, हाँ सभी को कम रहता है वो जरूरी है। हालांकि हम कोई थेरेपी दे रहे हैं जिसमें पिट्रोल का फॉर्मूला डालते हैं, लेकिन ये स्लो वर्क करता है। जैसे आपको लगा कि ये इतना दिन हो गया कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है लेकिन स्लो कर रहा है, अपने को तुरंत नहीं दिखता है, क्योंकि हमें भी मालूम है कई साल की समस्या है, दूसरा जब भी अपने को रिजल्ट दिखता है, ठीक है। तो महीना दो महीना इसमें हमें माना जाता ही जाता है, वो विटामिन B12 और B3 हम बाहर से दे देते हैं। तो पहला चीज़ क्या होता है कि B12 लेने से गैस का, जो बहुत ज़्यादा किसी किसी का बहुत एक्सेसिव गैस निकलता है, बार बार निकल रहा होता है, वो कम हो जाता है, सांस फूलता है किसी किसी में, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में भी सांस फूलेगा, ऐसे किसी से बात करने के भी सांस फूलता है, तो वो भी विटामिन B12 की कमी का ही लक्षण है। दो तीन योग अच्छे से होते हैं, उसके बाद होते नहीं है, मन ही नहीं करता करने का। इंजेक्शन लगाओगे 8-10 दिन के बाद में वो चीज़ आता है, जो सांस फूलता था या कमजोरी ज़्यादा रहता था वो भी। इंजेक्शन कितने इंजेक्शन लगे सबका अलग अलग है। अच्छा, उसके हिसाब से नौकरी बताएगा, 5 लेना है या 6 लेना है, बच्चे के आज हमारे हाँ उसके हिसाब से।
अर्कन
ये
ये सब चीज़ें क्या होती हैं और ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती है शादीवादी कर देंगे वहाँ तो बच्चा हो जाएगा। ये चीज़ ये भी है कि बच्चा जब होता है आपका नाम भी किसका बच्चे का आएगा जब तक आप तंदुरुस्त नहीं हो जाते हो तब तक आपको बच्चे का भी ट्राई नहीं करेगा नहीं दो या सुनो कोई भी आदमी हो वो भी अगर किसका हुआ है नले वाले पड़े हैं ना भी किसकी है सूचन है हाथों में अगर बच्चा करोगे ट्राई उसको भी आएगा। पहले क्या करना है ठीक हो जाना है तंदुरुस्त हो जाना है उसके बाद ही सब चीज़ें ट्राई करना है ये भी होता है ठीक है ये चीज़ करना है।